चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने सिंधिया को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा है पत्र। बिलासपुर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने की मांग की गई है। बिलासपुर में हाईकोर्ट होने के कारण नियमित हवाई सेवा उपलब्ध कराना आवश्यक है, इस तरह की बात पत्र में लिखी गई है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने सिंधिया को पत्र लिखा है। और इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गया है। स्वप्निल, बात किया है तो यहां पर सीएम भूपेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है और हवाई सेवा को शामिल करने के लिए पत्र लिखा गया है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मसले को लेकर? जी देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है और बिलासपुर से जो है अन्य शहरों के लिए जो उड़ान सेवा है, जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत उड़ान सेवा शुरू होनी है, लेकिन उसका जो लाइसेंस होता है वो फिलहाल बिलासपुर को नहीं मिला है और इस योजना में बिलासपुर को शामिल नहीं किया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने आज पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री से ये मांग की है कि बिलासपुर, चूंकि बिलासपुर में हाईकोर्ट है और लगातार वहां से चीफ जस्टिस और जजों का जो है आना जाना जो है दिल्ली लगा रहता है, तो ऐसे में वहां पर जो है उड़ान सेवा के लिए जो लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए और उस योजना में जो है बिलासपुर को शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही बिलासपुर से जो है अगर कनेक्टिंग बढ़ती है तो वहां के जो आम जनता है उनको भी लाभ मिलेगा। तो जो C5 जो योजना है उसके अंतर्गत बिलासपुर को शामिल किए जाने की मांग जो है वो पत्र के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने की है। जी बिल्कुल, सबने देखना होगा कि इस पत्र का असर कितना होता है, क्या उड़ान 5 सेवा में बिलासपुर को शामिल किया जाएगा नहीं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।